कि किस तरह वो रंग बिरंगी बाल जो है, जो एक फैशन आजकल ट्रेंड चला हुआ है, वो कैसे उसका प्रोसेस क्या होता है। बिल्कुल आपने अच्छा, सबसे पहले तो हमने बालों को कट डाउन कर लिया है, ठीक है, अच्छे तरीके से हमने बालों को देखे, बाल में ड्राई डैमेज नहीं हुआ। अच्छा, एंड थोड़े से ड्राई हो जाते हैं तो हम उसको काट के निकाल देंगे, पहले से भी इनके बाल प्रोसेस वाले थे। तो इसमें जब भी आप किसी सैलून पे जाते हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप अच्छा प्रोडक्ट यूज करवाएं। ओके, हमने पहले बालों को अच्छे तरीके से कट डाउन कर लिया है और उसके बाद हम ची आयोनिक शेड जो है हमारी शाइन शेड, हम ये लगाएंगे और बालों को हम सेक्शन करके, एज यू कैन सी हमने ये सेक्शन लिया है और मैं उसको इस तरीके से करके, ये कौन सा रंग लगा रहे हो तुम? ब्लू कलर है, ब्लू, ठीक है, ये ब्लू कलर है और मैं बालों को देखें इस तरीके से करके काले पोर्शन तक जाओगे, काले पोर्शन तक, ताकि मिक्स हो जाए, टिंट आ जाए, सही है, अदरवाइज क्या होगा वो एक पैच बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपने, मल्सिफाइन लाइक दिस, अच्छा इस तरीके से करके मल्टीफाइन करना, हाँ एक एक करके, एज यू कैन सी ये देखें मल्टीफाइन करना है इस तरीके से करके। अच्छा, इसमें कोई, ये डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर है, सो क्या है कि इसमें हमने कोई डेवलपर नहीं यूज किया हुआ, हमने इसमें कोई ऐसी चीज नहीं लगाई, डायरेक्ट कलर अप्लाई करना है, एज यू कैन सी इसकी अच्छी तरीके से बालों के अंदर। ये क्या रॉयल ब्लू टाइप आएगा? हाँ जी, ब्लू टाइप, जैसे हाथों पे कलर है ना, थोड़ा सा इस तरीके से आएगा, ठीक है। दोबारा से हमने एक सेक्शन लिया, मेक श्योर रहे कि मल्टीफाइन, तो इसी तरह तुम पर्पल भी शुरू कर दो ना, ताकि सब हम आप पर्पल शुरू कर दें। अच्छा, और मैं अभी आपका वो देख रहा था, अभी आपने लगाया था एक पैकेज बोलते हैं ना भाभी, पैकेज तो अच्छा, उसमें 10 साल बोला था, 10 साल से तुम्हें बहुत, फिर छोटा 16 बोला ना, हाँ मैं हो गया, मुझे 19 इयर्स हो गए, हम तुम्हारी उम्र छुपा रहे थे तुमने, छोड़ दे भाभी क्या उम्र, बड़े तो क्या रिश्ते नहीं अच्छे आएंगे, वाजिद बड़े हो ही गए अब तो मुझे लगता है। अच्छा, तो ये बस ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस कट डाउन करने के बाद, हाँ कट डाउन करने के बाद अच्छी तरीके से। और ये तुम कितनी देर लगे छोड़ दोगे? 45 मिनट तक ये कलर लगा रहेगा, ठीक है। अब आज हम आपको दिखाएंगे कि भाई ये कलर करने के बाद आपको कैसा मेकअप करना चाहिए, व्हाइट कपड़ों के साथ किस तरह कैरी करना चाहिए इसको, बिल्कुल ये भी एक जरूरी है ना, ये भी नहीं कि बिल्कुल ईस्टर्न मेकअप करके काजल वाजल लगा के चले जाए, इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा वेस्टर्न चलेगा ना मेकअप, वेस्टर्न चलेगा बिल्कुल, हाँ। अच्छा वेस्टर्न, अच्छा मुझे ये बात बताओ, तुम अभी कहते हैं टीनेजर लड़कियों के लिए, अब क्या मतलब लाइक बड़ी उम्र की खवातीन नहीं करवा सकती? करवा सकती है बिल्कुल, करवा, कौन कौन से कलर सूट कर सकते हैं उनके ऊपर? रेड कर सकता है, रेड अच्छा लगेगा, रेड कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, डीप बर्गंडी जैसे होता है, वॉयलेट कलर होता है उस तरीके, जरूरी नहीं है कि आप ब्राइट कलर्स पे ही करें, आप डीप बर्गंडी हो गया, महोगनी, जिस तरीके से तरीके के कलर भी आप एश टोन में करवा सकते हैं, ये सारी चीजें भी कर सकते हैं। ओके 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 ओके, ठीक है, तो ये है। अच्छा, ये कितने दिन स्टे करता है, ये रुकता है, कितने वॉश के बाद उतर जाता है? ये महीना डेढ़ दो महीना रहता है, महीना डेढ़ महीना रहता है। अब फिर उसके बाद जैसे फर्ज करो, जैसे इसका ब्लू से दिल बोर हो गया, इसने बोला मुझे ग्रीन करना है, तो फिर डेढ़ महीने बाद ग्रीन करवा सकती है? करवा सकती है, लेकिन फिर अगेन वही प्रोसेस कट डाउन होगा, फिर ऑफ कोर्स लाइटनिंग होगी, क्योंकि अच्छा अब अगर इसको जान छुड़ानी कि मुझे नहीं ब्लू कलर पसंद आ रहा, बस अब मैं थक गई हूं, फिर क्या होगा? तो दोबारा से डार्क कलर कर देंगे। और कितना डैमेज होता है बाल? नहीं, ये फिर वन कलर करने में कोई डैमेजेस नहीं होता, क्योंकि नहीं, नहीं। जैसे अभी तुम ये कह रहे हो, तो तुम कह रहे हो कि थोड़े से बाल जो है, जो टिप्स कहेंगे ना, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है कि पहले से इनके प्रोसेस वाले बाल थे, अच्छा, तो हल्के से ड्राई हुए, क्योंकि हमने बहुत एहतियात से किया है, बाज़ अगर जब आप एहतियात नहीं करते होते हैं तो बाल बिल्कुल ही जल जाते हैं फॉइल लगा के, जो लोग छोड़ देते हैं तो बिल्कुल ही जल जाते हैं, हम फॉइल के बाद भी जब फॉइल निकाल के देखते हैं फिर उसके बाद मल्टीफाइन करते हैं, तो ये बाल बचत हो गई है। अच्छा, अदरवाइज क्या होता है कि बालों का जो क्यूटिकल होता है वो इतना सॉफ्ट हो जाता है, वो टूटना शुरू हो जाते हैं बाल। तो मुझे देखे जा रहे हो, ऑडियंस को देख के बात करो, हम सारी बैक आ रही है तुम्हारी, भूल गए टीवी पे कैसे आते हैं। तो अब देखिए, सारे बालों को अच्छे तरीके से आपने बालों में लगा देना है कलर, ठीक है, लेकिन सी ये जा, अच्छा ये बताओ ना, देखो एलर्जी होती है कुछ लोगों को, कलर से एलर्जी होती है, कौन से लोग हैं, क्या टेस्ट करोगे, क्या मतलब किस तरह पता अच्छा चलेगा? ये तो क्या है, अच्छा ये तो अमोनिया फ्री कलर है बेसिकली, अच्छा पीपीडी इसमें पीपीडी नहीं होता है, तो पीपीडी से एलर्जी कॉज करते हैं, सही है। अच्छा, पीपीडी एक केमिकल है और जिससे बालों के ऊपर होता है, क्योंकि कल एक औरत आई थी हमारे शो पे, उसको बेचारी को ना पूरे मुंह पे चाइयां और दाने और स्किन अजीब सी हो गई थी, और उसने कहा कि मुझे हेयर डाई लगाने से मुझे एलर्जी हुई है। Yes. नहीं, उसे कौन सा हेयर डाई लगवा लिया था कि सलोन पे जाके, तो क्या इससे ऐसा हो सकता है कि अच्छा नहीं नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए अमोनिया फ्री जो कलर्स होते हैं ना, लोग बोलते हैं अमोनिया ये होता है, अच्छा अमोनिया का काम जो होता है सिर्फ क्यूटिकल को खोलना, तो अमोनिया से ये नहीं होता कि जी बालों में रंग ज्यादा तेज हो रहा है या काला हो रहा है, तो अमोनिया से सिर्फ बालों का क्यूटिकल खुलता है
और उसका काम है क्यूटिकल को खोलना है, ठीक है। तो हम जो कलर यूज करते हैं उसमें मोनोथिनोलम ही होता है जिसमें भुट्टे का रस है, तो उससे बाल को बाल डैमेज नहीं होते। अच्छा। और आपका बालों में आराम से कलर आता है और बाल आपके सेफ रहते हैं और आपको कोई एलर्जी भी नहीं होती। और पीपीडी फ्री कलर है, तो ये चक्कर है। यानी कि आप पीपीडी फ्री कलर लगवाएं, अमोनिया फ्री और पीपीडी फ्री है, ठीक है। अच्छा, ये प्रेगनेंसी में भी करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये हम तो एंड पे कर रहे हैं, हम रूट पे नहीं कर रहे, तो ये आप वैसे भी करवा सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो तुम आप बिजी हो जाएं अपने उसमें, मैं जरा मौजम की तरफ आ रही हूँ। लोग कहते हैं कि जवानी फिर नहीं आती, लेकिन जवानी बड़ी ईद पे फिर से आ रही है। हम चाहते हैं इस बड़ी ईद के बड़े मौके पे पूरा पाकिस्तान ये फिल्म देखे। हम आपके पास एक डील लेकर आए, $1 डील, सिर्फ 100 रुपए में आप जवानी फिर नहीं आनी 2 देख सकते हैं। यानी कि 100 रुपए में जवानी फिर नहीं आनी 2 देखें। कैसे? ऐसे $1 जमा कराएं और हर एक मिनट में जीतें फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 का एक टिकट। इसके अलावा जीतो पाकिस्तान में बेशुमार इनामात जीतने का चांस। तो आए पाकिस्तानी सिनेमा की बढ़ाएं शान और मिलकर बनाएं पाकिस्तान। $1 डील में शामिल होने के लिए SMS करें बिड #name #city #amount #JPNA2 और भेज दें 8068 पर, या अपनी करीबी ARYE सहूलत बाजार या ARYE बिजनेस अलायंसेस पर विजिट करें। जितने ज्यादा डॉलर्स उतने ज्यादा जीतने के मौके, $1 यानी 100 रुपए। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 02111100162 और विजिट www.arysahulatbazaar.pk। जवानी फिर नहीं आनी अब सबके लिए, जवानी फिर नहीं आनी अब सबके लिए, जवानी फिर नहीं आनी अब सबके लिए।